पाकिस्तान की सरकार ने बकरीद से पहले पाकिस्तान के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट लाई है। बकरीद यानी ईद उल अजहा से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज ने पेट्रोल में 10.2 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.33 प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। बता दें कि यह बदलाव 14 जून की आधी रात यानी 15 जून से लागू होगा। भारत सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना 2018 में ही शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। शपथ ग्रहण के तत्पश्चात पीएम नरेंद्र मोदी ने यह पहला कार्य किया था। सरकार ने 16 किस्त किसानों को दे दिया है और 17वीं किस्त की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि 18 जून को किसानों को उनकी 17वीं किस्त मिल जाएगी। एक्टर आमिर खान के बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज पर इन दोनों तलवार लटक रही है। सोशल मीडिया के यूजर्स का दावा है कि महाराज फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर की गई है। याचिका दायर होने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जुनैद के इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बड़ी घटना घटी है। बता दें कि यहां दिल्ली से यात्रियों को ले जा रही वाहन नियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस घटना में कई लोगों की मौत की भी सूचना मिली है। इस वाहन में कुल 23 लोग सवार थे। गाड़ी में सवार सभी लोग अलकनंदा नदी की तेज धार में बह गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने के 12 तारीख को जिले के अजूबमाड़ क्षेत्र में स्थित कुतुल फरसबेड़ा और कोटा मेटा गांव में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कृषि मंत्री ने कहा कि किस्त के 20,000 तक के लोन अब माफ कर दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कह दिया है। बता दें कि 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिया गया 50,000 से लेकर 2,00,000 तक के ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री उज्जैन वीडियो को बड़ी सौगात भी दिया है। उज्जैन में मुख्यमंत्री गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित तालाब का गहरीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन का भी शुभारम्भ किया। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून का आगमन काफी देर होती दिखाई दे रही है। जिस समय मानसून को मध्य प्रदेश में दस्तक देनी चाहिए थी, उस समय इस हिस्से में लू चल रही है। साथ ही हीट वेव की चेतावनी भी दी जा रही है। बता दें कि एमपी में मानसून की शुरुआत की तारीख 13 से 16 जून के बीच की है, जबकि भोपाल में मानसून की आधिकारिक शुरुआत की तारीख 17 जून को है। लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसी कोई संकेत नहीं दिख रहे, यहाँ लगातार लू की चेतावनी दी जा रही है। फ्लोरिडा के स्टेडियम में होने वाले यूएस बनाम आयरलैंड की मैच को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से यहां मैच रद्द हुई है। सेंट्रल ब्रोबार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम फ्लोरिडा के लॉडर हिल क्षेत्र में स्थित है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि मैच शुरू होने से पहले मैन ऑफिशियल्स और अंपायरों ने कई बार मैदान की जाँच की, लेकिन भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे यह मैच रद्द कर दिया गया। अयोध्या में स्थित राम मंदिर को लेकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बार फिर से जहर उगला है। आतंकवादी ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि एक वीडियो के जरिए आतंकवादी ने यह धमकी दी है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और अलर्ट मोड पर आ गई है। भोपाल के जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच हेतु उन्होंने हॉकर कॉर्नर शिवाजी नगर भोपाल स्थित कोमुचों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट पित्रम में कॉकरोच की उपस्थिति और गंदगी में भोजन का निर्माण, साथ ही खाद पंजीयन न होना, ऐसी त्रुटि पाई गई। बता दें कि भोपाल के कई होटल एवं रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। ककोलत नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है। पहाड़ों के ऊपर से गिरती जलधारा की शीतलता सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिली जानकारी के अनुसार ककोलत में सौंदर्यकरण का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन के लिए यहां आए थे। चर्चा के अनुसार सीएम 24 जून को ककोलत पहुंच सकते हैं। इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। हरियाणा के साथ जल संकट के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हिमाचल प्रदेश से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में हिमाचल प्रदेश ने कहा कि वह दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबलों से सबसे
बड़ा झटका लगा है। स्टार स्पिनर मुजीबुर रहमान चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में सलामी बल्लेबाज इर्तुला जजई को टीम में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी लेते हुए तस्वीर सामने आई है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह पीएम मोदी के साथ नजर आ रही है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए मेलोनी ने लिखा कि हाय फ्रेंड्स फ्रॉम #मेलोनी।